उत्तर प्रदेश के हरदोई के बिलग्राम में दो लोगों ने कृषि भूमि में आग लगा दी। यह आग राजस्व टीम द्वारा पैमाइश के दौरान लगाई गई, जिसमें राजस्व टीम ने दो लोगों पर आगजनी का आरोप लगाकर कोतवाली में इसकी शिकायत दी है। आग लगने से आसपास काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे के आसपास गांव अतरछा बुजुर्ग में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ पैमाइश करने के लिए गई थी। इसी दौरान विवादित भूमि पर पड़े छप्पर में विपक्षी ने आग लगा दी, जिसमें छप्पर धू धू कर जलने लगा। इसी क्रम में तमाम ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि यह स्थिति देख मौके पर टीम लौट आई। कानूनगो राजेश कुमार, लेखपाल वीरेश कुमार व लेखपाल संदीप कुमार यादव ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि तहसीलदार के 18 सितंबर के निर्देशों के तहत पूरी टीम पुलिस उपनिरीक्षक के साथ गुड्डू व गुड्डू की पत्नी ललिता की पट्टे की कृषि भूमि की पैमाइश के लिए गई थी। पैमाइश के समय अमीन व शाकिर ने आग लगा दी। वहीं इस बारे में पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी को काबू भी कर लिया जाएगा। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ये आगजनी का क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिलग्राम थाना क्षेत्र के अतरछा बुजुर्ग गांव में आज पट्टे पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व की टीम गई थी। राजस्व टीम में नायब तहसीलदार कानूनगो और लेखपाल मौजूद थे। उनके सहायतार्थ बिलग्राम की पुलिस टीम भी गई थी। जब आवेदक जो नीरज कुमार थे, उन्हें पट्टा की पैमाइश राजस्व टीम द्वारा की जाने लगी, तो विपक्षी गणों ने अपने एक छप्पर था उसमें आग लगा दी, स्वयं उनके द्वारा आग लगाई गई और वो शोरगुल करने लगे। इस पर पुलिस ने और राजस्व ने अपनी कार्रवाई की है। राजस्व के कानूनगो द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, एक टीम बनाई गई है। हम लोग अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।